हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमिन नाथ्स यूट्यूब चैनल। और देखिए, आप सभी लोगों को पतनक लग गया होगा कि ऑट सेमेस्टर जो है उसका रिजल्ट निकल आया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि चिंता मत कीजिए, आप लोगों का ऑट सेमेस्टर जो है बहुत ही अच्छा होगा। और देखिए, उसका रिजल्ट भी निकल के अभी आया हुआ है और बहुत सारे जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि आप लोग सोचे थे कि आप लोगों का रिजल्ट, आप लोग पहले तो चिंता कर रहे थे कि कैसा होगा, क्योंकि बहुत सारा रूमर्स मार्केट में स्प्रेड हुआ था, तो उसके चलते आप लोग थोड़े डरे भी हुए थे, सहमे भी हुए थे। तो उसके चलते फिर जब रिजल्ट अभी आप लोगों के हाथ में है, तो ये जब रिजल्ट आप लोगों के हाथ में है तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे दो तीन चीज़ का आपका ख्याल रखना पड़ेगा। पहला वाला जो है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि रिजल्ट में कौन कौन सा चीज़ ऐसे है जिसको आपको देखना पड़ेगा, और उसके साथ उसको वो थोड़ा बारीकी से उसको नज़र भी रखना पड़ेगा, क्योंकि चलिए देख लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो देखिए, ये वाला जो है आपका रिजल्ट ऐसे आएगा, जब आप लोग अपने स्टूडेंट्स पोर्टल में जा रहे हैं, वहाँ पर जाके जब रिजल्ट अपना जब डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके नीचे देखिएगा एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो लिखा हुआ है, उसके थोड़े ऊपर लिखा हुआ है प्लीज़ रिपोर्ट ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन थ्रू कॉलेज विद इन 7 days, अदरवाइज यूनिवर्सिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर और एनी एरर इन ट्रांसक्रिप्ट इफ़ एनी। तो यहाँ पे ये साफ साफ कहा गया है, देखिए कि अगर आप जिस मार्कशीट आपको दिखा रहा है, ये तो ये ऑनलाइन है, लेकिन ये ऑनलाइन मार्कशीट में अगर कोई आपको कोई दिखे, कोई ऐसा कोई डिस्क्रिपेंसी, जिससे किसी का सोच लीजिए कि CA है या फिर PCA है या PCA2, ऐसा कोई जैसा कुछ जब दिए थे आप लोगों ने, तो मार्क्स टोटल यहाँ पे हो के आने वाला है। लेकिन हाँ, अगर किसी स्टूडेंट्स ने ये, अगर आपको लग रहा है कि ये आपका जो मार्क्स किसी पेपर में अगर नहीं आया हुआ है, या कुछ भी डिस्क्रिपेंसी आपको दिखा रहा है, या फिर आप प्रेजेंट थे उस पर आपको एबसेंट दिखा रहा है, ऐसा कुछ अगर होता है यहाँ पे, ये तो पहले जो चीज़ आपको करना पड़ेगा, आपका जो कॉलेज है, कॉलेज के इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से बात नहीं कर सकते, और कॉलेज को इन्फॉर्म करने के बाद ही कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है उनको इन्फॉर्म करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बात आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कहा गया है वो 7 दिन के अंदर आपको पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कॉलेज को प्रोवाइड करना पड़ेगा कि किस तरह का डिस्क्रिपेंसी आपका जो मार्कशीट है अगर है तो वहाँ पे दिखा रहा है। तो ये अगर 7 दिन के अंदर आप डिस्क्रिपेंसी बता देते हैं कॉलेज को, तो कॉलेज फर्दर प्रोसीड करेगा और यूनिवर्सिटी विल टेक केयर ऑफ दिस डिस्क्रिपेंसी। सो वो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आई वुड लाइक टू से ऑल द वेरी बेस्ट एंड एज वेल एज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि इवन सेमेस्टर जो है उसके लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट जो आठ सेमेस्टर का रिजल्ट निकल के अभी आपके हाथ पे आया हुआ है इसके लिए। तो विद दिस आई कम टू एन एंड, थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमिन नाथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।